Hello sir and ma'am, hope you all are doing well and welcome to my YouTube channel GS with Rahul. So here in today's lecture we are going to talk about the analysis of paper 1 of public administration optional for UPSC CSE 2018. So basically today is 8th October 2018 and yesterday there was the examination of public administration optional in UPSC CSE 2018 examination. Okay, so kal 2018 का UPSC CSE का एग्जाम था जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का एग्जाम था पेपर वन और पेपर टू का. यस्टरडे देयर वाज द एग्जामिनेशन ऑफ पेपर वन एंड पेपर टू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल. सो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, दिस इज द लेक्चर वेयर आई एम गोइंग टू एनालाइज द पेपर वन फ्रॉम मल्टीपल डायमेंशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ UPSC CSE आंसर राइटिंग. ओके, तो ये जो लेक्चर है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा और यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे जो पेपर वन था उस पेपर वन के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का जो पेपर वन है उसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज द थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव सो दैट यू कैन राइट अ गुड आंसर इन योर एग्जामिनेशन इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन. दिस वीडियो इज रेलिवेंट फॉर दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल and especially this video for those aspirants who are new in this journey of UPSC CSE and best of luck to all of you. And here we are going to cover the things from very basic level so that you can understand the things that how can you write a good answer, how can you relate the topics, and this is all about this thing. So let's get started. This lesson is presented by me, Rahul. You can subscribe to my YouTube channel GS with Rahul for more updates. You will find the second ARC and other things here itself. Okay, so I'm not going to waste your time because I know your time is really precious. So let's get started, sir and ma'am. And one more thing that I want to tell you that here we are going to cover the section A of paper 1 of public administration optional which has been held on 7th October 2018. Okay, so jo section 1 hai, section A hai, usi ko discuss karenge. Char question the section A mein, section B mein char question aur the, wo दूसरे वीडियोस में आ जाएंगे. तो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, टाइम इंपॉर्टेंट है. ये चीज और देख लो, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू जस्ट गो थ्रू इट वंस दैट देयर इज अ क्रैश कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएससी बाय मी दैट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन माई प्रोफाइल एट unacademy.com. unacademy का एक लर्निंग ऐप है, उस पर जाओगे और उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. अदरवाइज आप unacademy ऐप डाउनलोड कर सकते हो फ्रीली. वहां पर एक कोर्स द्वारा अवेलेबल है, दैट कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी देयर एट unacademy व्हिच कंटेन्स मोर देन 170 लेसंस एज ऑफ नाउ. अभी उसमें 170 से ज्यादा लेसन है पेपर वन के लिए केवल. इसी वजह से मैं ये क्रैश कोर्स यहां पर ये चीज कवर कर रहा हूं, इस वजह से मुझे वो थोड़ा आइडिया है कि कैसे पेपर को एनालाइज करना है. तो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, सो शुरू ही करते हैं. सो हियर दीज आर द क्रेडेंशियल फॉर unacademy एंड व्हाट आई एम going to do, I just try to bifurcate the things from the perspective of the syllabus. मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि कैसे हर क्वेश्चन को सिलेबस के साथ लिंक करके देखा जाए. तो ये जो सिलेबस है ये पेपर वन का सिलेबस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये चार, इसमें 12 यूनिट्स हैं. तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, ये यूनिट्स हैं, आप पॉज करके इन्हें देख सकते हैं कि सिलेबस में आखिर क्या दिया गया है यूपीएससी के द्वारा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड सर एंड मैम. सो 3 मिनट का टाइम थोड़ा सा चला गया है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड सर एंड मैम. सो हेयर वी हैव पेपर वन एनालिसिस बाय राहुल. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी सीएससी 2018 पेपर वन इज द स्कोप ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटरमाइंड बाई वॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डज. डज इट मीन दैट द स्कोप of this discipline is boundaryless, explain. Okay, so सबसे पहले question क्या कह रहा है कि scope of discipline of public administration is determined by what an administrative system does. Whatever the administrative system is doing, the scope of discipline of PAVED is determined by that particular thing, that whatever you are doing. तो जो भी करोगे वो public administration में आ जाएगा, इस तरीके की चीजें हैं. तो ये definition है that we know from the, you can say from the basic perspective. And does it mean,
mean? Now the question is that does it really mean that the scope of the discipline is boundaryless? Explain. So what you need to understand in one line, there is the quote, there is a quote about the scope of discipline of public administration, and on the second line there is a question that does it mean the scope of discipline is boundaryless. Kya aisa hai jiska koi boundary nahi hai? Explain karna hai. You have to explain this thing. Okay, so let's understand this thing here itself. So in my crash course on public administration optional, first of all there is the disclaimer from my side that I am covering all these things from my self study. There is no coaching notes provided to me, there is no, you can say, guidance to me from any of the great institute or something like that. Okay, so jo bhi cheeze hongi meri apni self study se jo mujhe lagta hai us hisab se sahi hai, us hisab se ye cheeze prastut ki ja rahi hai, to koi bhi kahin par bhavuk nahi hoga ki aisa kyun bata rahe ho or something like that. Okay, 170 plus lessons are there, that's why I am covering these things. Okay, to book se cross check kar sakte ho, aur thoda sa promotion nahi kar raha hu, aisa mat sochna. Don't think like I'm promoting my crash course of public administration of 170 plus lessons. I'm going to just use the things from the basic label so that you can understand that how can you relate the things from the basic perspective. Okay, so here as you can see, this question is all about scope and discipline of public administration. तो यहाँ पर देखोगे introduction में दिया गया है पहले ही number पर meaning, scope and significance of public administration. Okay, so you cannot say that this is out of syllabus. Okay, introduction से है. And apart from that, what you need to understand that what is the scope of public administration. So basically, if you go into the theory from some perspective, you will find that as an activity, scope of public administration is whatever the scope of state activity is there, it would become the scope of public administration when we are talking about the activity. जब हम activity की बात करते हैं तो जो भी state कर सकती है, ठीक है, जो भी state कर सकती है वो सब public administration में आ जाएगा as an activity. तो ये चीज wide हो जाएगी. As a discipline ये चीज limited हो जाएगी. When we are talking about the discipline of public administration, when we are talking about the subject of public administration like history, geography, polity and economy, जब उस तरीके की बात होगी तो इसमें दो व्यूज हैं. तो अभी तक अब हमारा क्वेश्चन जो है वो सिर्फ यहीं तक रेस्ट्रिक्टेड है एज एन एक्टिविटी. ओके, ये जो क्रैश कोर्स है उसी की स्लाइड है, तो बस इनकॉर्पोरेट की है बस दिखाने के लिए कि यहां से ये चीज आई है. तो एज एन एक्टिविटी स्कोप है जो भी स्टेट एक्टिविटी कर सकती है और वाइड स्कोप है. सेम थिंग इज आस्क्ड बाई दिस क्वेश्चन दैट ओके स्कोप ऑफ डिसिप्लिन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो क्या है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो भी कर सकता है. अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपको खाना परस के दे सकता है, खाना परोस के दे सकता है, तो वो भी एक स्कोप बन जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का. इफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इफ स्टेट इज एबल टू प्रोवाइड समथिंग लाइक यू कैन से टू एक्ट लाइक अ वेटर टू सर्व सम फूड्स, सम सॉर्ट ऑफ फूड टू यू, देन ऑल्सो इट वुड बिकम द स्कोप ऑफ डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो डज इट मीन दैट द स्कोप ऑफ द डिसिप्लिन इज बाउंड्रीलेस? हियर इज द क्वेश्चन. ओके, सो इफ यू गो थ्रू दिस पॉइंट, इफ यू रीड द बुक्स, यू विल फाइंड दैट ओके wide scope is there. Okay, so but what you need to understand that you need to understand this basic phenomena ki theek hai state jo karega wo ho sakta hai, lekin state kuch bhi nahi kar sakta hai. State aisa nahi hai ki kuch bhi karne lage. Okay, so state ka jo role hai wo kahan se role, wo role aisa nahi hai. Abhi jaise maine example diya ki state agar aapko ghar mein aake aapke khana dene lage, khana parosne lage, to wo kya public administration ka scope ho jayega? Answer is no. Okay, so in books you will find that okay wide scope is there, and undoubtedly there is a wide scope, but the thing that you need to understand that does it mean the scope of the discipline is boundaryless? The answer is no, because constitution is there, democracy is there, and apart from that there is the, you can say, particular system of government is there. Okay, so you cannot say this thing. You have to explain this thing by giving these examples that undoubtedly there is the definition that under scope of public administration the scope is really wide. Whatever the state can do, it would become the, you can say, role, or it would become the scope of public administration. But at the same time there is the implicit thing in this particular statement that there are different restriction that restrict the scope of public administration. For example, in ancient
ancient history, in medieval history, in modern history, in history per se, you will find that there are many rulers who said that we are the persons who are, you can say, appointed by the Lord, by the, you can say, God of the universe or something like that. They are trying to extend their scope of discipline of their administration. But here, in present scenario, you cannot say that the scope is wide. There is a particular limit in this particular scope. ठीक है, तो scope wide है, लेकिन स्कोप बाउंड्री लेस नहीं है. स्कोप बड़ा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब बाउंड्री पार करके पाकिस्तान में पहुंच जाए. ऑन अ लाइटर नोट ऐसे समझ सकते हो. ओके, आई होप यू आर गेटिंग द फर्स्ट ए पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेकेंड क्वेश्चन. ओके, द पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इट्सेल्फ. ओके, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनैलिटी एंड एफिशिएंसी आर इंटरवाइंड इन द ब्यूरोक्रेटिक एनालिसिस ऑफ मैक्स वेबर एक्सप्लेन. ओके, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनैलिटी एंड एफिशिएंसी. अब यहाँ पर क्या समझना है, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू कॉन्सेप्ट. वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनैलिटी एज यू कैन सी हियर, एंड अनदर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी. दीज कॉन्सेप्ट्स आर अंडरलाइंड इन द ब्यूरोक्रेटिक एनालिसिस ऑफ मैक्स वेबर. ओके, सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट दैट वेदर दीज कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनैलिटी एंड एफिशिएंसी आर प्रेजेंट इन द ब्यूरोक्रेटिक एनालिसिस ऑफ मैक्स वेबर और नॉट. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड these concepts. So before going deep into it, इसमें अंदर जाने से पहले बस इतना समझ लो कि मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेटिक एनालिसिस क्या था, मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल क्या था. अगर उसमें रेशनैलिटी एफिशिएंसी आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो. यू कैन इजिली कमेंट इफ यू नो द ब्यूरोक्रेटिक एनालिसिस ऑफ मैक्स वेबर. So let's understand the bureaucratic analysis of Max Weber so that we can understand this thing in a better way. So as you can see here, so this is the slide that I have again incorporate from that particular course itself. So here you can see bureaucracy. So bureaucracy, first social scientist who made a systematic study of the bureaucracy and its characteristic was Max Weber. Okay, so this was the slide that I have incorporated from the administrative thinker portion of Max Weber. So Max Weber was the first social scientist, okay, who made a systematic study of bureaucracy. This is the introduction part, and he never defined it but described its characteristic. उन्होंने कभी इसको define नहीं किया था कि bureaucracy ये है. उन्होंने बस उसकी characteristic बता दी थी और वो characteristic बाद में लोगों ने bureaucracy से जोड़ दी. उसके अलावा on the basis of authority he categorized it into two parts, patrimonial and legal rational. Okay, so patrimonial is something, patrimonial bureaucracy is something in which there is जहाँ पर बात होती थी राजा महाराजाओं की. ठीक है, उनके लड़के के लड़के के लड़के वो सब बनते रहते थे राजा महाराजा, तो वो चीज़ें थी patrimonial. On the other hand, legal rational is something where there are some laws, there are some sort of democratic election or something like that. So you need to understand this thing. So bureaucracy तो थोड़ा सा समझ में आ गया, लेकिन question किस पे है? Question was all about the, you can say, the concept of rationality and efficiency in bureaucratic analysis. Okay, so let's understand the model of bureaucracy. So here you can see that there is a model of bureaucracy that has been given by the Max Weber himself. So if you go through this model, you can directly go to the profile of mine where you will find this course freely, and this course is freely available there. So what you need to understand, if you try to analyze these 6 points given in the model of bureaucracy, what you will find that, as you can see here, that there are certain things, but in between these things you will find that, as you can see here, if you understand these things, okay, you will find that there is the legal rationality in this particular model. Because as you can see here in this previous one, that this particular model is all about, as you can see here, sorry for this, this particular, one second. So as you can see here, this particular model is all about legal rational. Okay, because he himself characterized that on the basis of authority, he categorized the bureaucracy into patrimonial and legal rational. And he go to some extent when he was talking about the legal rational. यहाँ पर उन्होंने खुद कहा है कि हम bureaucracy को दो parts में divide कर सकते हैं, patrimonial, legal rational. ठीक है, तो ये model जब अब उन्होंने खुद कहा कि हम rational की rationality के basis पर इसको
को डिवाइड कर रहे हैं तो फिर आपको क्या दिक्कत है, लिख दो पूरा मॉडल के हाँ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में क्या था। तो थोड़ा सा बेसिक है, इसमें कुछ है नहीं समझने को, ठीक है। मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज द वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल व्हेन इट कम्स टू ब्यूरोक्रेसी, ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन द कोर्स, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट यस देयर आर सम बेसिक क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन द एग्जामिनेशन ऑफ 2018। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द अनदर क्वेश्चन इज फर्स्ट सी, सो द न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच इज एन इंप्रूवमेंट ओवर इट्स प्रीडिसेसर्स न्यू पब्लिक मैनेजमेंट डिस्कस। ओके, सो द क्वेश्चन बेसिकली एम्स टू टॉक टू इट इट आस्क यू अबाउट द यू कैन से द डिफरेंस इन द न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच एंड द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ओके, सो बेसिकली यू कैन ईजिली राइट द डिफरेंसेज एंड एट लास्ट यू कैन कंक्लूड योर आंसर बाई सेइंग दैट ओके न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच इज द इंप्रूवमेंट ओवर दिस थिंग। सो बेसिकली इफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स यू विल फाइंड द आंसर। सो दिस इज अगेन द डायरेक्ट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड बाई यूपीएससी इन दिस एग्जामिनेशन। सो हेयर यू कैन सी द डिफरेंसिस बिटवीन द एनपीएम वर्सेज एनपीएस। एनपीएम स्टैंड्स फॉर न्यू पब्लिक सर्विस, एनपीएम स्टैंड्स फॉर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एज यू कैन सी हेयर, एंड एनपीएस स्टैंड्स फॉर न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच। ओके, सो दिस टॉपिक, दिस न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच, यू विल नॉट फाइंड दिस टॉपिक इन द सिलेबस बाय यूपीएससी सीएसई, बट दिस इज द हिडन सिलेबस, दिस इज अ काइंड ऑफ हिडन सिलेबस एंड आई हैव ऑल्सो नॉट इनकॉर्पोरेटेड दिस थिंग इन द क्रैश कोर्स। ओके, झूठ क्यों बोलूं, मैंने भी इसे नहीं पढ़ाया था, बट ऑन द अदर हैंड देयर इज द टेलीग्राम चैनल बाय मी जी एस विद राहुल, तो वहां पर कभी कभी वहां पर जो ग्रुप्स हैं जो मेरे जिसमें जिन ग्रुप्स का मैं पार्ट हूं, तो वहां पर जब ये कोई किसी लर्नर ने ये पूछ दिया था तो मैंने वहां पर ये पूरे पॉइंट्स लिखे थे और ये क्वेश्चन जब आ गया था तो आराम से उस बंदे ने कर लिया होगा। ओके, ऑन अ लाइटर नोट, आई डोंट नो अबाउट हिम, सो जस्ट गो थ्रू इट वंस। सो एनपीएम एंड एनपीएस, ओके, सो एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट स्टीयरिंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सो इफ यू फॉलो द क्रैश कोर्स यू विल फाइंड दैट देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीएम, देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट बाई डेविड ऑस देयर द पर्सन कॉल्ड ऑस एंड गैबलर। ओके, सो स्टीयरिंग, एनपीएम हैज स्टीयरिंग रोल रादर देन रोइंग। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीयरिंग, जैसे नाव चलाते हैं ना, नाव तो कैसे करते हैं, स्टीयर करते हैं, ठीक है। स्टीयर और रोइंग का मतलब क्या है कि देयर इज द पर्टिकुलर थिंग इन दिस पर्टिकुलर एनपीएम इटसेल्फ दैट स्टेट शुड प्ले द रोल ऑफ स्टीयरिंग रादर देन रोइंग, मींस स्टेट शुड यू कैन से प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज नॉट प्रोड्यूस्ड देम। अगर प्रोडक्शन करना है किसी गुड्स एंड सर्विसेज का तो प्रोडक्शन दे दो प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन जब देने की बात आई जनता में तो काम दे दो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, तो काम दे दो सरकार को, बिकॉज एनपीएम इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू पब्लिक दिस यू कैन से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। एनपीएम एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर बात होती है कि क्या करना है वो काम तो सरकार तय करेगी, लेकिन कैसे करना है वो काम तय करेगा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि कैसे करना है उस चीज़ में प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जैसे एजुकेशन है तो कैसे करना है, तो एजुकेशन कैसे देनी है तो वो तो प्राइवेट पे दे सकते हैं हम, लेकिन क्या करना है वो डिसाइड करेगी सरकार। ओके, सो दिस इज एनपीएम। एनपीएम टॉक्स अबाउट द दिस यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। So the role in NPM, the role of government is of steering that production of goods and services should not be there. There should be the the production should not be there, but there should be the provision that the government should provide these goods and services to the individual. Okay, and apart from that, in NPS, as you can see, the full form itself, new public service approach. Okay, so here the role is of serving. Okay, so here the role is of steering the goods and services. बट हेयर द रोल इज ऑफ सर्विंग। ओके, जैसे ड्राइव करते हैं तो यहां पे थोड़ा सा बस डायरेक्शन देना है, यहां पर अच्छे से सर्व करना है, अच्छे से खाना परोसना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हेयर सिविल सर्वेंट्स आर अकाउंटेबल टू कस्टमर्स, बट हेयर सिविल सर्वेंट्स आर अकाउंटेबल टू मैनी पीपल, टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस एनपीएम इज मोर ऑफ द इकोनॉमिक थियरी, दिस इज मोर ऑफ द इकोनॉमिक थियरी, वेयर एज द एनपीएस इज मोर ऑफ द डेमोक्रेटिक थियरी, बिकॉज हेयर यू कैन सी
see that they are talking about the customers. Okay, citizens, civil servants are accountable to customers. So customer is the economic term, so this is more of the economic theory, whereas this is democratic theory. Civil servants are accountable to many. यहाँ पर civil servants बहुत लोगों के लिए accountable होंगे, जवाबदेह होंगे, जबकि NPM में वो सिर्फ customers को होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा private आ गया ना. अब जब private आ गया तो कैसे भाई ये सब कर सकते हो ना, ये चीज़ है. Based on PCA and neo-taylorism. So what is PCA? PCA means public choice approach. Okay, so based on PCA and neo-taylorism. So all these topics are covered well in the crash course on PubEd. You can watch that course. You will find the dedicated lesson of PCA, the dedicated lesson on emergence of PCA, the dedicated lesson on NPM, and all these things are there. Okay, so NPS is not there, but NPM you will find all these neo-taylorism and all. So all these things are there based on serving. NPS is based on serving, as I have already told you. And here the citizens are treated as a customer, whereas citizens are treated as client in NPS. Okay, I hope you are getting the difference. And this was the 150 word question. So I hope you are getting this thing, that how NPM, this NPS was the improvement of NPM. Okay, here things are more non-democratic, here things are more democratic, or you can say here things are economic, here things are democratic. Here the role is to steer the resources, here the role is to serve the resources. यहाँ क्या है, हम बस थोड़ा सा direction दे देंगे, यहाँ थोड़ा सा जाएंगे लोगों के घर में जाएंगे तब उन्हें खाना देंगे. यहाँ क्या है, बस एक गली मोहल्ले में भिजवा देंगे बस, ठीक है, इतना ही होगा. तो एक कह सकते हो कि NPS में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन दिस NPM एंड NPS. एंड दिस वॉज द अनदर क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है. आई होप एनालिसिस समझ में आ रहा होगा, मजे आ रहे होंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द फर्स्ट डी, ओके, सो द अनदर पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लीडर इज अ पीपल डेवलपर नेपोलियन. तो नेपोलियन ने कहा था, नेपोलियन सेड दिस थिंग दैट द लीडर इज अ पीपल्स डेवलपर. विच aspect of the subordinates development can be positively influenced by a leader. Okay, so you have to simply write the different aspects of subordinate development that can be positively influenced by the leader. ठीक है, तो आपको क्या बताना है इस पर्टिकुलर आंसर में, कि लीडर जो है एक पीपल डेवलपर होता है, ठीक है, लोगों को डेवलप करता है. जैसे अभी जैसे इंडिया के एग्जाम्पल में ले लो, ठीक है, मोदी जी हैं, लीडर हैं, लीडर ऑफ द नेशन है, तो वो लोगों को डेवलप करते हैं, जो भी उनके MPs हैं, जो भी मतलब सरकार में लोग हैं उनको डेवलप करते हैं. और इसके अलावा कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जो डेवलप कर सकते हैं कोई भी लीडर, ठीक है, जो चीज़ें पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड हो सकती हैं किसी लीडर के द्वारा. तो कैसे कर सकते हैं, अगर एक मतलब सरल भाषा में समझें तो मोदी जी क्या कर सकते हैं, मोदी जी एक ऐसा डेवलपमेंट कर सकते हैं सबॉर्डिनेट में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करें और उनको फिर से चुनाव जिता दें, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं. यानी क्या कह रहे हैं, मोटिवेशन प्रोवाइड करा सकते हैं. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, यू कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट अदर थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द रोल ऑफ लीडर. सो वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम एस्पेक्ट ऑफ सबॉर्डिनेट डेवलपमेंट. दिस इज द क्वेश्चन, दैट वॉट आर द एस्पेक्ट ऑफ सबॉर्डिनेट डेवलपमेंट पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाई द लीडर. लीडर कौन कौन सी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, तो देयर आर सर्टेन नीड्स डैट वर आइडेंटिफाई द पर्सन कॉल्ड एडायर. ओके, सो देयर आर सर्टेन नीड्स, कुछ ऐसी नीड्स थी, कुछ ऐसी जरूरतें थी. किसकी जरूरतें थी, सबॉर्डिनेट्स की, ठीक है. यहां पर यही तो पूछा गया, व्हाट इज द एस्पेक्ट, व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ सबॉर्डिनेट्स डेवलपमेंट पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लीडर. तो लीडर कौन कौन सी चीजों को डेवलप कर देता है, तो उसकी जरूरतें हैं उन्हीं को तो करेगा. तो कुछ टास्क नीड्स होती हैं, कुछ इंडिविजुअल नीड्स होती हैं, कुछ टीम नीड्स होती हैं. देयर आर सर्टेन नीड्स ऑफ द सबॉर्डिनेट एंड द इफ द लीडर वॉन्ट टू बिकम अ गुड लीडर, दे have to influence, they have to develop these kind of, they have to balance these kind of needs of the subordinate. Okay, तो अगर लीडर को अच्छा सा पॉजिटिव सा अच्छा अच्छा सा इन्फ्लुएंस लाना है, तो टास्क नीड को फुलफिल करो लोगों की, इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल करो और टीम नीड्स को फुलफिल करो. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मिनिस्ट्री, ओके, सो फॉर मिनिस्ट्री देयर इज अ टीम नीड. ओके, सो यू कैन रिलेट दिस थिंग विद पेपर वन इटसेल्फ. ओके, फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज देयर, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज देयर, सो देयर आर certain
team needs. Okay, so the as a team, they want that leader should answer these questions. For example, as a Ministry of Women and Child Development, Honorable Women and Child Development Minister Menaka Gandhi, she would want this thing that leader, the Honorable PM, should develop, should influence the as a leader, they would influence the team needs. Okay, so there are certain team needs. Okay, so as a minister, the minister want that leader should influence these things. Okay, so leader have to influence these things as the whole. Okay, and apart from that, individual needs, suppose just take the example of Ministry of Women and Child Development again. So yahan par kya pata chalta hai ki abhi ye case ho gaya tha ki wahan pe jo ministry versus minister ka case ho gaya tha, theek hai, to wahan par kya tha ki kuch individual needs bhi hoti hain. Jab ministry versus minister का केस हो रहा था, ये जो केस है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि मिनिस्ट्री और मिनिस्टर का केस क्या था पब्लिक इस वाले पूरे फिनोमेना में, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में, ठीक है. There is a particular, you can say, recent happenings that were being going on in the recent scenario, that there is the conflict between the Minister of Women and Child Development and the Ministry of Women and Child Development. ठीक है, तो ये चीज़ें थी. और यहाँ से समझ सकते हो कि individual needs को भी leader को fulfill करना है. Leader as a PM Narendra Modi ji have to fulfill the team needs of Women and Child Development, Ministry of Women and Child Development, and at the same time they have to answer the individual needs of the particular ministry, that is the needs of the minister, or you can say the secretaries and other ministry, you can say individual, and there are task needs as well. So task kya hai, ye sab jhagda kis pe kar rahe hain ki women and child development mein jo gaon wagera mein jo primary school aur mid day meal mein jo khana parosa jata hai, to ye yahan par thoda sa conflict chal raha hai. Wo conflict to aap comment section mein bata hi doge. To task need bhi hai, theek hai, ye need bhi fulfill karni chahiye लीडर को, ठीक है. तो ये सब नीड्स हैं, इन्हें फुलफिल करोगे तो अपने आप पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर दोगे. और अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू डोंट वांट टू राइट दीज स्पेसिफिक टर्म्स, यू कैन सिंपली राइट द थिंग्स. ओके, आप खुद ही समझते हैं कि कैसे लीडर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस तैयार करता है सोसाइटी पे, कैसे लीडर मोटिवेट कर सकता है, कैसे लीडर कामों को मैनेजमेंट कर सकता है. चुपचाप जाना मेरा क्रैश कोर्स देख लेना, उसमें सब कुछ दिया गया है कि लीडर कैसे इन्फ्लुएंस करता है. दिस इज द new thing. If you want to bring the puppet swag in your answer, you can mention this thing that okay, this particular person identified these needs. Okay, तो जब बात बस वही है कि पबेड का स्वैग लगना चाहिए आंसर में, ताकि एग्जामिनर आराम से खुश हो जाए. बस खुश करना है उसको कि हाँ ठीक है, बच्चे ने पढ़ा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, let's understand the next question. So this is all about the leadership. I hope you are getting this thing, that how can you relate these things with the basics of leadership. Okay, this is also the part of the syllabus, and I have already covered these things in the crash course itself. And apart from that, iske alawa kya question hai, part e hai first question ka, theek hai. So Herbert Simon's book Administrative Behavior presents a synthesis of classical and behavioral approach to the study of public administration. Administration, explain. Okay, so Herbert Simon, if you trace the timeline, अरे timeline trace करना तो भाड़ में जाए, सीधी प्रसाद एंड प्रसाद उठाओगे, प्रसाद एंड प्रसाद पढ़ते हैं ना सब लोग, आपने भी पढ़ी होगी. तो प्रसाद एंड प्रसाद में जाओगे तो एक सिक्वेंस में ही उसमें दिया गया है. शुरू के थिंकर क्लासिकल होंगे, इन क्लासिकल थिंकर्स यू विल फाइंड वुड्रो विल्सन, यू विल फाइंड फ्रेडरिक विंसलो टेलर, यू विल फाइंड द अदर थिंकर्स लाइक यू कैन से द मैक्स वेबर, यू विल फाइंड द गुलिक एंड उर्विक, राइली and Mooney and Riley, and apart from that you will find the M.P. Follett as the bridge between the classical and the behavioral approach, and then comes the Herbert Simon and Chester Bernard. Okay, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो कि एक sequence में जब जाओगे तो ये लोग बीच में पड़ गए. कौन बीच में पड़ गए? M.P. Follett हो गए, और इसके अलावा Chester Bernard हो गए, Herbert Simon हो गए. तो ये लोग बीच में पड़ गए. अब बीच में पड़ गए तो ये तो ना ये क्लासिकल के रह पाएंगे ना इधर के रह पाएंगे, तो इनमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन आ जाएगा. देयर वुड बी, यू विल फाइंड that there is a combination between the in the ideology of these type of people like Herbert Simon, Chester Bernard and M.P. Follett, because they are the part of the
transition stage. You can relate this particular thing. If you want to understand this thing in a more better perspective, just try to relate this thing with the paradigms of public administration. तो कुछ paradigms हैं public administration के जो Nicholas Henry ने दिए थे, as you can see here. ये सब चीजें भी कहाँ पे मिलेंगी? Crash Course on PUPPET की link नीचे दी गई हुई है, वहाँ पे देख लेना, ठीक है? Evolution of public administration. Okay, so there are certain paradigms. Okay, so first paradigm was from 1900 to 1926, where there in the heading of this particular paradigm was politics administration dichotomy. So this particular, why this is known as paradigm? Paradigm basically means that there is the particular ideology that was dominated at that point of time. First paradigm ki jagah dusra word kyun nahi use kara? First paradigm ki jagah ye kyun nahi kaha ki first stage? Why we are not saying that this is the first stage? Why we are using this word called paradigm? We are using this word paradigm because paradigm basically implies that there would be a particular ideology that was dominated over that particular point of time. Okay, so the ideology, the paradigm ideology was politics administration dichotomy, kyunki bilkul shuruaati samay tha 1900 se 1926 ka, aur kuch log 1887 se 1926 bhi keh dete hain. To ye evolution shuruaat yahan se hui thi, first paradigm, jab politics administration ko alag samjha jata tha. Ye sabhi thinkers ne is cheezon par baat kari thi, ye sab course mein discuss kiya gaya hai, freely available course. कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं कि मेरा जो कोर्स है उसे ज्वाइन कर लो, 50,000 रुपए में ज्वाइन कर लो, कर लो कर लो, ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा हूं. फ्रीली अवेलेबल है, टाइम बस लगेगा. टाइम की बात हो तो फिर नहीं देखना, नहीं तो देख लेना. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द सेकंड पैराडाइम. नाउ इन सेकंड पैराडाइम द एम्फेसिस वाज ऑन फोकस. हियर द एम्फेसिस वाज ऑन लोकस, के पब्लिक कहां है, पॉलिटिक्स कहां है और एडमिनिस्ट्रेशन कहां है. एम्फेसिस वाज ऑन लोकस इन दिस पर्टिकुलर पैराडाइम एंड दिस वाज नोन एज द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी. इन सेकंड पैराडाइम यू विल फाइंड the principle of administration from 1926 to 1937. This was the period of paradigm and emphasis was on focus. Ki public administration ki kya kya principles hote hain, you will find all these thinkers in this particular scenario. And third paradigm, this is important. Okay, after second paradigm there was the era of challenge. Okay, this was the era of challenge and this was the period from 1937 to 1950. And the thinkers that have incorporated in this era of challenge, because here you can see these first and second paradigm was the part of the classical approach of public administration, and in between, in this third paradigm, or you can say in this era of challenge from 1937 to 1950, log confusia gaye the, theek hai, logon ko samajh mein nahi aa raha tha ki bhai kya hai, ye kya chal raha hai. So yahan par kya the, ye sab thinkers aa jayenge, Eldon Mayo, Chester Barnard, Herbert Simon, theek hai. Isi wajah se ye question, ye sabhi question, ye sab cheeze aap expect kar sakte ho UPSC से अगले एग्जामिनेशन में. यू कैन एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय यूपीएससी इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन, दैट हाउ द रोल ऑफ एल्टन मायो इज, यू कैन से हाउ द थियोरी ऑफ एल्टन मायो हैव द सिंथेसिस ऑफ क्लासिकल एज वेल एज द बिहेवियरल अप्रोच, हाउ द थियोरी ऑफ चेस्टर बर्नार्ड इज द सिंथेसिस ऑफ क्लासिकल एज वेल एज द दिस ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, हाउ हर्बर्ट साइमन हैव द थियोरी ऑफ हर्बर्ट साइमन द इन रिटन इन द बुक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हैव द कैरेक्टरिस्टिक of both you can say public this classical as well as the human relation approach or something like that, because all these people were confused. They are neither the part, you cannot say that these individuals are specifically the part of this scenario. Okay, so this is the twist that you need to understand, and this is the same question as I have already told you here, that you can expect such type of question in case of Eldon Mayo and Chester Barnard, but here in UPSC CSE 2018 question to pooch liya gaya hai. Herbert Simon ki ye jo book hai, ye book mein dono cheeze milti hain, classical aur behavioral. To yahan pe dekhoge ye kahan gaya question, question kahan gaya bhai, are question ho gaya. So question is here. So as you can see here, बहुत सारी slides हो गई हैं, 50 slides हो गई. Okay, so here you can see this is the question. Herbert Simons की जो book है administrative behavior, उसमें synthesis मिलता है classical and behavioral approach. तो क्यों मिलता है synthesis? Synthesis इसीलिए मिलता है, we are getting this synthesis because this was the period of era of challenge. जब वो पैदा हुए थे, जब वो अपनी कहानियाँ लिख रहे थे, अपनी किताबें लिख रहे थे,
थे तो पीरियड था कैसा, चैलेंज वाला, तो वो लोग कन्फ्यूज्ड थे। तो अब कन्फ्यूज है तो किसकी तरफ जाओगे, ठीक है, दो दो पक्ष हैं, एक इस तरफ, दो पार्टीज हैं, किस तरफ जाओगे, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा क्लासिकल एंड बिहेवियरल। अब ये तो हो गई कि हाँ ठीक है, समझ में आ गया कि हाँ वो बीच में थे ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसा चक्कर फंस गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अब ये चीज़ें कॉरबोरेट कैसे करोगे, ये चीज़ें बताओगे कैसे कि हाँ बीच में थे वो, तो चलो टाइमलाइन से वो तो एक क्लियर हो गया, वो तो हमने अपने यूपीएससी 2019 और 20 के लिए हमने एक पॉइंट, हमने एक मतलब एक थ्रेड ले लिया, एक धागा ले लिया कि हाँ आगे ये धागे में से कुछ और भी आएगा तो हम ऐसे रिलेट कर पाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या लिखोगे, ये थोड़ी लिखोगे टाइमलाइन था और ये था और वो था। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू गो डीप इनटू द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, देयर आर डिफरेंट थिंग्स that were being given by this particular person called Herbert Simon, like the states of decision making, like types of decision making as the programmed and non-programmed decision and all, बहुत सारी चीजें बताई थी बंदे ने, बड़ा होशियार बंदा था, बहुत सारी चीजें decision making में बताई थी। But what you need to understand that there he talks about the basis of decision making, basis of decision making की बात करते हुए time उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने एक चीज कही कि दो बेसिस होते हैं डिसीजन मेकिंग के, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द डिसीजन, यू आर गोइंग टू टेक द डिसीजन, देयर आर टू वेज, देयर आर टू बेसिस, देयर आर टू प्रीमाइसेस, फर्स्ट इज फैक्चुअल प्रीमाइसेस एंड सेकंड इज द वैल्यू प्रीमाइसेस। दो प्रीमाइसेस होती हैं, फैक्ट वाली और वैल्यू वाली। अब फैक्ट वाली प्रीमाइसेस कहाँ होती थी, फैक्ट वाली प्रीमाइसेस होती थी क्लासिकल थियोरी में, होती थी कि नहीं होती थी, अगर आप जाओगे क्लासिकल थियोरी में, अगर आप जाओगे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, आप ये पाओगे कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसमें कुछ एंटी गोल्स थे, जैसे गोलंबायस्की ने बताए थे एंटी गोल्स, ठीक है। ये सब चीजें आप कहां मिलेंगी, ये सब उसी कोर्स में मिलेंगी, लाइन से देखोगे सब मिलेगा, ठीक है, प्रमोशन नहीं है, ध्यान रखना, बस बता रहा हूं, ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है। तो चीजें क्या समझनी है आपको, what you need to understand that factual premises that has been talk about, ये factual premises क्या है और value premises क्या है, ये सब चीज़ें course में है। what I am trying to do, I am just trying to relate the, you can say the synthesis of classical and the behavioral approach. so factual premises, if you read the new public administration in detailed manner or from the basic perspective, you will find that value, that new public administration criticizes the traditional public administration, and in traditional public administration they are criticizing, means अब ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप कह रहे हो कि वो पर्टिकुलर जो टीम है वो खराब है, लेकिन उस टीम का कौन सा प्लेयर खराब है, ठीक है, उस पर्टिकुलर टीम का कौन सा प्लेयर खराब है। सिमिलरली इफ ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बैड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट यू आर नॉट लाइकिंग, सो द यू कैन से द पायोनियर ऑफ पब्लिक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉक अबाउट दिस थिंग दैट जी जो ट्रेडिशनल वाले हैं ना, इनके अंदर पॉजिटिविस्ट अप्रोच है, ये लोग लॉजिकल पॉजिटिविज्म में मानते हैं, इसलिए ये चीज लोग गलत हैं। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म इज व्हाट, लॉजिकल पॉजिटिविज्म इज ऑल अबाउट factual premises, means where we are talking about the facts not values, whereas in decision, in after new public administration, after new public administration you can say that we are living in the, you can say the particular, you can say the next phase in the fourth or fifth paradigm of public administration, okay. So here you will find value premises, okay. Value premises is something that you will find in more detail in the behavioral approach, because in behavioral approach there are the importance of values, ठीक है। पहले क्या कहा जाता था कि value neutral रहना है, value नहीं होनी चाहिए, politics administration dichotomy और Woodrow Wilson और ये जितने classical थे वो क्या कहते थे, value neutrality होनी चाहिए। लेकिन NPA के बाद, इसके अलावा प्रेजेंट सिनेरियो में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, बिहेवियरल अप्रोच, वहां क्या है, वैल्यू है, वैल्यू न्यूट्रल नहीं है, वैल्यू लेडन है। तो ये चीजें दो अलग अलग हैं, ये क्लासिकल का कैरेक्टरिस्टिक है और ये वाला कैरेक्टरिस्टिक है बिहेवियर का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फैक्चुअल वाला किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्स के हिसाब से आंसर करो चीजों को। बट हियर वैल्यू प्रीमाइसेस इज ऑल अबाउट द, यू कैन से ये किसकी चीज है, बिहेवियरल अप्रोच की। अब ये चीज क्लासिकल की है, ये चीज बिहेवियरल की है, और इनकी थ्योरी में
हार्वर्ड साइमन की थ्योरी में दोनों चीज़ें हैं, इन्होंने तो इसकी बात भी कर दी, इसकी बात भी कर दी, तो हो गया ना प्रूव, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, जैसे मैथ में क्वेश्चन लिख के ऐसे करते हो ना हैंस प्रूव्ड, वैसे यहाँ लिख देना हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो दोनों बातें कर दी ना, इन्होंने एक बात नहीं करी। अगर ये इसकी सिर्फ बात करते, अगर ये कहते कि देयर इज द ओनली बेस ऑफ डिसीजन मेकिंग विच इज फैक्चुअल प्रीमाइसेस, तो आप बिल्कुल बेधड़क बोल देते बिंदास होके कि हाँ ये क्लासिकल का बंदा था तभी फैक्चुअल की बात कर रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ हार्वर्ड साइमन टॉक ओनली अबाउट द वैल्यू प्रीमाइसेस, तो आप कह सकते थे देखो वैल्यू की बात कर रहा है, ये बिहेवियरल अप्रोच को ही बिलोंग करता है, बट ही इज टॉकिंग अबाउट द बोथ द अप्रोचेस, सो यू कैन से दैट व्हाट यू कैन से व्हाटएवर द क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू, यू कैन से दैट ओके फ्रॉम द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग हम ये चीज कह सकते हैं कि ये जो थियरी है इनकी ये दोनों अप्रोचेस का क्या है, सिंथेसिस है। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस फर्स्ट क्वेश्चन। दिस फर्स्ट क्वेश्चन हैव 5 parts एंड यू हैव टू राइट ईच पार्ट विद इन द रेंज ऑफ 150 words, एंड आई अगेन एम्फेसाइजिंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग दैट एक अप्रोच के साथ आंसर लिखोगे तो आंसर में नंबर नहीं मिलेंगे। हो सकता है कहीं मैं भी सिर्फ एक अप्रोच की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करना कि अप्रोच बदल जाए, अप्रोच एक अप्रोच से बात नहीं करो। फॉर एग्जाम्पल इन हार्वर्ड साइमन बुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द सिंथेसिस, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द टाइम लाइन दैट हाउ कैन यू रिलेट दिस थिंग विद द पीरियड ऑफ ईरा ऑफ चैलेंज गिवन बाई द निकोलस हेनरी इन हिज पॉपुलर पैराडाइम्स। ओके, सो अगर अब इन चीज़ों में अब जैसे NPS और NPM और NPA में पूछ लिया, ठीक है NPM और NPS में, अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, सीधा डिफरेंस है, बट इफ पॉसिबल इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, इन एक्सप्लेनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू रिलेट द थिंग्स फ्रॉम मैनी पर्सपेक्टिव पॉसिबल, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके, और फिगर बना दोगे इस तरीके के गोले गोले करके तो फिर और बढ़िया है, बिकॉज कोई बोर नहीं होना चाहता, ठीक है, सीधी सी बात है। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, हेयर ऑल्सो यू विल फाइंड दैट देयर इज द रिलेशन बिटवीन बोथ द थिंग्स। ओके, सो थोड़ा सा इसे भी देख लेना, थोड़ा सा इसे देख लेना। इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट ए, ड्विट वाल्डो इन हिज बुक द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स इम्फेटिकली मैंसन दैट द रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी बी इन पॉलिटिकल थियरी, क्रिटिकली एग्जामाइन द वाल्डोज कंटेंशन। ओके, सो वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड सर एंड मैम, कि ड्विट वाल्डो जो थे उन्होंने उनकी बुक थी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। कभी भी परेशान नहीं होना कि ये बुक का नाम आ गया और ये बुक तो हमने पढ़ी नहीं, हमने तो मोहित भट्टाचार्य और ये सब पढ़ी थी, ऐसा कभी कन्फ्यूज नहीं होना। जो भी ड्विट वाल्डो के में पता हो वो सब लिख देना, वो सब इसी का पार्ट होगा, क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान भी रख सकते हो, लेकिन नहीं हो रहा तो कोई चिंता की बात नहीं है। ड्विट वाल्डो की जो थियरी होगी उसमें ये चीजें ही आएंगी जो उन्होंने अपनी किताब में लिखी हैं, क्योंकि ड्विट वाल्डो किसी के सपने में आके नहीं बता के गए, इन्हीं किताबों में से लिख के वो लिखा गया है। ओके, सो हियर ही emphatically mention that the roots of administrative theory in political theory. Okay, so what you need to understand from here on, here itself you can say, what you can say that he is not talking about the dichotomy between politics and administration. Okay, so आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि इन्होंने क्या कहा कि political theory जो है उसी का एक part है, मतलब administration कहाँ से आया, administration वा नाम के पेड़ की जड़ कहाँ है, पॉलिटिकल थियरी में। अब इसको एनालाइज करना है, इसको एग्जामाइन करना है। अब ठीक है, ये तो समझ में आ गया, अगर आपने थोड़ी सी इफ यू हैव स्टडीड सम थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू ड्विट वाल्डो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस थिंग दैट ओके ही वाज टॉकिंग अबाउट द यू कैन से अरे यार स्लाइड हम ही दिखा देते हैं, आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। ओके, सो ही वाज टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी, ही वाज अबेंडनिंग द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी। कैसे याद करोगे, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ था, क्रिटिसाइज किया गया था ट्रेडिशनल वाले को। ओके, इन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर्स टोल्ड दैट देयर इज अ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी। सो अगर वो चीज अगर हम आपका विरोध कर रहे हैं तो आप जो भी कहोगे हम कहेंगे नहीं नहीं गलत है। सिमिलरली दे आर क्रिटिसाइजिंग द क्लासिकल थिंकर्स, दीज पायोनियर्स ऑफ पब्लिक न्यू NPA, दीज ड्विट वाल्डो टाइप ऑफ पीपल, सो दैट्स व्हाई दे आर क्रिटिसाइजिंग द आइडियाज एज वेल। ओके,
politics administration dichotomy is not there. They are abandoning this thing and they are saying that politics and administration have the relationship. We should move towards a philosophy that encourages the cooperation among the powers, be it administrative or political, not competition among the separate power. Ye sab cheeze batayi gayi hai, okay? So they are not talking about the dichotomy, they are talking about the cooperation, ki hame cooperation banakar chalna chahiye. To ye to ho gaya is question ka proof ki haan theek hai, ye question to question bhi yahi keh raha hai. Ab humne naya kya bata diya, aapne Rahul sir aapne ye analysis kya kiya? Okay, so sir and ma'am, so let's understand this thing. Okay, so first of all, why UPSC has asked this question? How can you relate this thing in the timeline? If you relate the things from again in this timeline perspective, you will find, just recall the previous paradigms that I have told you in the previous, you can say, question as well. So in era of challenge ke baad, after 1937 to 1950, there is the another paradigm called third paradigm. There is another paradigm called third paradigm, in which there is the saying that public administration as political science. So basically hua kya tha ki era of challenge ke baad log ho gaye confused, or when people become confused, they just, some people go back to the, you can say, the mother science, which is known as the politics, and some people go to the pubed as management. Okay, तो एक bifurcation देखने को मिला, सब लोग एक direction में जा रहे थे, and after era of challenge, because of many confusion, what happened that people, some people move towards this, you can say, the some people move towards the idea of pubed as political science. इन्होंने कहा कि pubed तो वही है, political science थी, वही सही है, हम उसी में जा रहे हैं. Some people move to the new paradigm called pubed as management, and that's why you will find that third paradigm and fourth paradigm are overlapping, 1950 to 1970, here you can see, and 1956 to 1970. Why these are overlapping? Kyunki waisa hua jaise nahi chess khelte hain, to chess khelte hain to ek banda jeet raha hai, dusra haar raha hai, to haarne wala kya karta hai, pura wo chess ko ukhad ke fek deta hai, theek hai, fir kehte hain chalo dobara shuru karo, something like that, kyunki aise to bana nahi sakte dobara. Similarly, era of challenge ke baad ye chess ka pura game jo tha, ye pura play board tha, ye sab ukhad ke fek diya gaya, aur fir log zero se shuru ho gaye. To zero se shuru ho gaye to kuch log wapas chale gaye, जैसे कोई नया ऑप्शनल लेना चाहे, तो कुछ लोगों ने पॉलिटिकल साइंस को एज अ ऑप्शनल, ये कहाँ चला गया, पॉलिटिकल साइंस को ऑप्शनल ले लिया, और कुछ लोगों ने उसे उठा के पॉलिटिकल साइंस को ऑप्शनल ले लिया, कुछ लोगों ने मैनेजमेंट को ऑप्शनल ले लिया, तो इस तरीके से बायफर्केट हो गए. दीस पीपल हैव गॉट इन बायफर्केटेड अमंग द पॉलिटिकल साइंस एंड द मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये थर्ड पैराडाइम और फोर्थ पैराडाइम हो गया. वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हेयर in third paradigm, this third paradigm talks about pubed as political science. From 1950 to 1970, this paradigm was there. Okay, so our question is about Dwight Waldo, and if you can recall the things from the new public administration, from my lectures or from any source, you will find that new public administration was the, you can say, was the phenomena, was the evolution of 1960s. Okay, or 1960s kaun si timeline mein aayega, yahan aayega kya, iske beech mein 1960 आएगा क्या, नहीं आएगा. 1960 कहां आएगा, 1960 विल कम इन दिस पैराडाइम, इन दिस थर्ड पैराडाइम, पवेड एज पॉलिटिकल साइंस इन 1960 वुड कम हियर. क्योंकि कुछ लोग जो पॉलिटिकल साइंस को अपना, मतलब इसको यहां लिखा हुआ है, यहां पर देखोगे तो लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस पवेड रिटर्न टू द फोल्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच इज नोन एज मदर साइंस. तो अपनी मम्मी के पास वापस चले गए, दे मूव टुवर्ड्स देयर मदर साइंस. ओके, सो दैट्स वाई देयर इज द रिलेशन बिटवीन पवेड and you can say in this, that's why this question is all about that. He mentioned in this book that the roots of administrative theory be in political theory, because he was the people, he was the person of that timeline itself. So ye timeline bahut zaruri hai, kahin par bhi ho, har jagah timeline ko laga sakte ho question ki jo details hain use samajhne ke liye. And apart from that, why this question is all about the critically examining the Waldo's contention. So what you need to understand, if you read the book called Administrative State, or if you read the books in more detailed manner, you will find that public administration have the roots in political theory. He was of the view, he was saying this thing, but on the other hand, after some time, he himself developed a separate administration theory, a separate theory of administration. Agar koi banda keh raha hai, seedhi si baat hai, agar ye banda keh raha hai ki administrative theory ka jo source hai, jo root hai, wo to political
पॉलिटिकल थियरी है, लेकिन अगर आप इसका नाम देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, तो इसने पॉलिटिकल स्टेट क्यों नहीं कहा? मतलब ये तो वही बात हो गई कि मतलब बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा है, कह रहा है ये बंदा कह रहे हैं, ये सर जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी की जो जड़ें हैं वो पॉलिटिकल थियरी में है, लेकिन नाम इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट दे दिया। व्हाई दी ही इज नॉट गिविंग द पॉलिटिकल स्टेट? सो द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ही वॉज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, बट एट द सेम टाइम वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस बुक, दिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, दिस पर्टिकुलर बुक टुक 8 years, ठीक है, 8 साल लगे थे इस पर्टिकुलर बुक को लिखने में, 8 साल लगे थे इस पर्टिकुलर बुक को लिखने में, याद रख लेना, द टाइम पीरियड वॉज 8 years, एंड इन दिस स्पान ऑफ 8 years वॉट हैपन दैट ही डेवलप दिस, एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस वर्क कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ही वॉज सेइंग दैट ओके द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी इन द पॉलिटिकल थियरी। ओके, शुरू करने से पहले एकदम से पॉलिटिकल देवता का नाम ले दिया, पॉलिटिकल थियरी का नाम दे दिया कि ठीक है पॉलिटिकल साइंस ही हमारी मतलब मदर साइंस है, वहीं से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमारी जो थियरी है वो उनके ही एक जड़ है, वो एक जड़ है, उसी का एक पार्ट है, ठीक है, अवर एडमिनिस्ट्रेशन इज द ब्रांच ऑफ पॉलिटिक्स। ओके, बट इन 8 years, अब 8 साल में क्या होगा, कोई बंदा अगर 8 UPSC के अटैम्प्ट भी दे दे तो भले ही उसका सिलेक्शन ना हो, लेकिन 8 साल बाद वो एक बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा एक प्रोफेसर बन सकता है GS का और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस दैट ही और सी हैव गॉट। सिमिलरली इन 8 years ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनेरियो ही रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ही रियलाइज दैट ओके I have told this thing that roots of administrative theory are there in the political theory, but in these 8 years he himself realized this thing that public administration or administrative theory is very broad phenomena which contains all the aspect of physiology, all the aspect of psychology, sociology, sociology, and apart from that the anthropology, you will find all these things। अगर आप पवेड का सिलेबस भी पढ़ रहे हो तो क्या होता है, कहीं आप साइकोलॉजी की चीज़ें पढ़ने लगते हो, कहीं आप पॉलिटी पढ़ने लगते हो, कहीं आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने लगते हो, कहीं आप बिल्कुल चले जाते हो हिस्ट्री में, हिस्ट्री पढ़ने लगते हो। सो यू कैन से दैट एडमिनिस्ट्रेशन हैव ए वेरी ब्रॉड फिनोमिना, एंड ही रियलाइज दिस थिंग इन द एक्सपीरियंस ऑफ 8 years, एंड दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आस्किंग यू अबाउट द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाल्डोस कंटेंशन। ओके, सो आई होप यू आर एबल टू एनालाइज दिस थिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन theory and political theory, and you are getting this thing that why he was talking about the importance of political theory in administrative theory, but in later time after 8 year what happened, he was of the view that administrative state or public administration is the different phenomena. So again, if you relate this thing, okay, so after era of challenge some people move to the political science, okay, so you can relate this thing with the third paradigm, but after 10 years because 1960s was the period, 1965 bhi ho sakta hai, 1968 bhi ho sakta hai, kyunki 1960s ka ye time tha, agar 10 saal add kar doge, if we add 10 years in the 1960s we would cross this timeline of 1970, and that's why we would move towards the fourth paradigm, towards the fifth paradigm, that is Paved as Paved, and in this paradigm you will find new public management. Ab yahan pe mil gaya new public मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहां मिल रहा है क्योंकि 8 साल का जब समय हो गया तो जब 8 साल का समय हो गया तो वो चीज़ इन्होंने छोड़ दी, ही लेफ्ट दिस आइडिया, ही इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू विल फाइंड दैट ही टोल्ड दैट द रूट्स आर देयर, बट आफ्टर 8 years ही वॉट हैपन दैट दिस पवेड एज पॉलिटिकल साइंस, ही मूव फ्रॉम, ही हिमसेल्फ मूव फ्रॉम दिस फिनोमिना ऑफ पवेड एज पॉलिटिकल साइंस टू द पवेड एज पवेड इन 1972 प्रेजेंट इन द फिफ्थ पैराडाइम, एंड दैट्स वाई यू हैव फाउंड, यू विल फाइंड NPA हेयर। ओके, NPA यहाँ मिल रहा है और यहाँ नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, अगर NPA यहां मिल रहा होता तो आप क्रिटिकली एग्जामाइन में ये सब चीजें नहीं लिख पाते, अगर NPA वहीं पर डायरेक्ट मिल जाता, सॉरी फॉर दिस,
सॉरी फॉर दिस, सो अगर एन पी ए वहाँ पर मिल जाता, अगर एन पी ए वहाँ पर मिल जाता उसी वाले पवेड एज पॉलिटिकल साइंस वाले में, तो ये क्वेश्चन में आपको क्रिटिकली एग्जामाइन नहीं कर पाते। लेकिन आप देखोगे कि ये एन पी ए तो पवेड एज पवेड का पार्ट है, एन पी ए इज द पार्ट ऑफ पवेड एंड पवेड, दैट इज फिफ्थ पैराडाइम, एंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ डुइट वाल्डो इज रिलेटिंग टू द थर्ड पैराडाइम। ओके, आई होप यू आर एबल टू एनालाइज दिस क्वेश्चन एज वेल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, टू बी द पार्ट बी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, द phenomenological approach advocated by the new public administration has obstructed the path of theory building in new public administration comment. Okay, so actually this is the first question from which I realized that I have to make the analysis of paper 1 of public administration, because one people asked about the phenomenological approach, what is this approach. So what you need to understand that phenomenological approach is the approach of psychology. Just mind by words, you will not find any, you can say the slide here itself, just listen to me very carefully and feel like Mr. India is talking to you. Okay, so what you need to understand that the phenomenological approach advocated by the new public administration. So what is the meaning of phenomenological approach? Baki to dekho kitni achhi definition hai, advocated by NPA has obstructed the, baki question to samajh mein aa raha hai, bas ye phenomenological approach koi bata de to hum answer likh denge. So what you need to understand that phenomenological approach basically is the part of psychology, and in psychology you can just replace phenomenological with psychological. Okay, so phenomenological is the part of psychology, and you know that psychology is subjective. ओके, तो क्या आपको करना है कि फिनोमिनोलॉजी की जगह आपको साइकोलॉजी लिख देना है, साइकोलॉजी, ठीक है? और साइकोलॉजी कैसी होती है? साइकोलॉजी सब्जेक्टिव होती है, ठीक है? तो अब क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिप्लेस दिस फिनोमिनोलॉजिकल बाय द साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी बाय सब्जेक्टिव, बिकॉज यू नो दैट साइकोलॉजी इज सब्जेक्टिव. माई साइकोलॉजी वुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर साइकोलॉजी एंड योर साइकोलॉजी वुड बी डिफरेंट फ्रॉम माई साइकोलॉजी. साइकोलॉजी तो सबकी अलग अलग होती है ना, तो सब्जेक्टिव हो गई ना, अलग अलग जो होता है उसे सब्जेक्टिव कहते हैं, जो एक होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, तो सब्जेक्टिविटी आ गई. सो यू कैन रिप्लेस फिनोमिनोलॉजिकल बाय साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी बाय सब्जेक्टिव. सो नाउ रीड द क्वेश्चन. ओके, इस सबको हटा दो, ये फिनोमिनोलॉजिकल ये क्या, इसको हटाओ, यहां लिखो सब्जेक्टिव, ठीक है? साइकोलॉजी लिखो फिर सब्जेक्टिव लिखो, जस्ट डिलीट दिस फिनोमिनोलॉजिकल एंड रीड दिस लाइक द सब्जेक्टिव. सो द नाउ रीड द क्वेश्चन, द सब्जेक्टिव अप्रोच एडवोकेटेड बाय the NPA has obstructed the path of theory building in new public administration comment. Okay, so subjective approach advocated by NPA. Now just try to relate the things from NPA. In NPA, what you will find that in the ideas of NPA, in NPA you will find that there is a sort of subjective approach. Okay, there are some subjective approach, there are some, you can say, approach that you will find changing or variable with the period of time. Kyunki agar aapse koi puche, if somebody ask you that NPA, write tell something about NPA, some features of NPA, then what happen, aap kehne logoge NPA, acha Minobrook first ki ye cheezein thi, Minobrook second mein ye tha aur Minobrook third mein ye tha, to koi kahega नहीं नहीं एनपीए का बताओ, तो आप कहोगे नहीं नहीं एनपीए नहीं बता सकते, एनपीए के जो पार्ट्स हैं मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस उनकी हमें डिटेल्स पता है. यू विल से दिस थिंग, ओके, इफ समबडी आस्क यू दैट टेल मी द फीचर्स ऑफ एनपीए, एक्चुअली यू वुड ट्राई टू रिलेट एनपीए विद द मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेज एंड यू वुड गिव द फीचर्स ऑफ मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेज, लाइक इन मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट द ऑब्जेक्टिव्स आर द रेलिवेंस वैल्यूज एक्यूटी एंड चेंज एंड समथिंग लाइक दैट. यू विल try to relate NPA with the Minobrook conference. Why you are saying this thing, why you are doing this thing, aisa hum kyon kar rahe hain, hum direct NPA ke bare mein nahi bata sakte kya, kya humme itni himmat nahi hai? Answer is apne pe itni himmat nahi hai, kyunki NPA is not a full fledged theory, because NPA, because of this subjective behavior, because of the subjective behavior in kyunki subjective behavior to change hota rehta hai. Shuru mein 1968 mein conference hui,
नोबरू कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे सब्जेक्टिव बिहेवियर कुछ और था। 1988 में कॉन्फ्रेंस करी तो बिहेवियर चेंज हो गया, लोगों का ध्यान भटक गया, वो मतलब और कुछ बातें करने लगे, वो बातें करने लगे कि अब ये सब सही चल रहा है। 1980 उसके बाद 2008 में मिनोबरू कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके पीछे फिर से बहुत सारे चेंज हो गए थे, क्लाइमेट चेंज ये वो, तो उसके मतलब हर चीज़ बदल जाती है। थियोरी मतलब कोई बनी नहीं पाई, थियोरी कब बनती है, जब एक पर्टिकुलर फिनोमेना, इफ़ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ थियोरी यू हैव टू एनालाइज द थिंग्स इन अ कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट, बट हेयर एनवायरमेंट इज चेंजिंग, द यू कैन से आइडियाज आर चेंजिंग, गोल्स आर चेंजिंग, ऑब्जेक्टिव्स आर चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग, देन हाउ कैन यू मेक द फुल फ्लेज्ड थियोरी ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। सो दिस अप्रोच, दिस सब्जेक्टिव अप्रोच एडवोकेटेड बाई NPA हैज ऑब्स्ट्रक्टेड द पाथ ऑफ थियोरी बिल्डिंग। थियोरी क्यों नहीं बन पाई, थियोरी इसीलिए नहीं बन पाई क्योंकि फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच था, क्योंकि सब्जेक्टिव अप्रोच था, लोगों की साइकोलॉजी पर बेस्ड अप्रोच था, लोगों का जो मन होता था वो बोल देते थे। तो अगर आप आज कुछ और बोलोगे, कल कुछ और बोलोगे, और फिर अगले दिन कुछ और बोलोगे, तो कैसे आप एक थियोरी बना पाओगे। थियोरी का मतलब क्या होता है कि आपने कोई चीज़ बना दी है, कोई थियोरेटिकल आपने कुछ चीज़ें लिख दी हैं, वो चीज़ें एक मतलब क्या हो गया, एक मतलब हमेशा के लिए हो चुका है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दीज थिंग्स एंड आई होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन ओवर द टॉपिक कॉल्ड फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डिस्कस द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक सेक्टर सेंटर्ड एंड मार्केट सेक्टर सेंटर्ड पब्लिक दिस PPP एंड ऑल्सो कंपेयर द टू। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, दिस इज द अनदर क्वेश्चन फ्रॉम माई कोर्स इट सेल्फ। सो आई इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई हैव इनकॉर्पोरेटेड माई लेसन्स ऑन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्रैश कोर्स। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ द बेसिक्स आर इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग दैट माई कोर्स इज इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा कोर्स मैं ही सब कुछ आता है और मैं ही पेपर सेट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ मेरे क्लेम्स नहीं है, ऐसी मैं हेकड़ी मेरे अंदर नहीं है। तो वट यू नीड टू अंडरस्टैंड हेयर कि मेरे से कुछ नहीं आता, बुक से आता है, ठीक है, और ये सब चीज़ें मैं बुक वाली पढ़ाता हूँ इसलिए बुक से आ जाता है। सो हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन 2C, डिस्कस द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर सेंटर्ड एंड मार्केट सेंटर्ड परस्पेक्टिव इन PPP एंड ऑल्सो कंपेयर द टू। ओके, सो दीज थिंग्स आर देयर कि पब्लिक, वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू कंपेयर द पब्लिक सेक्टर एंड मार्केट सेक्टर। ओके, सो दीज थिंग्स आर देयर, आई हैव मेड द पर्टिकुलर सीरीज, यू विल फाइंड द लेसन ऑन माई प्रोफाइल विद द स्टेट वर्सेज मार्केट डिबेट, तो उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं डायरेक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि और भी कुछ डिस्कस किया, बस यही डिस्कस किया है जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, आधे लोग देखोगे नहीं चले जाओगे, चले मत जाना यार, पूरा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना, वैसे ही मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट Paper-1 एनालिसिस, सो लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड ए, कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट्स द नर्व ऑफ द गवर्नमेंट कार्ल। ओके, हाउ कैन द कम्युनिकेशन सिस्टम इन द गवर्नमेंट बी मेड मोर इफेक्टिव, रिस्पॉन्सिव एंड मोटिवेशनल। ओके, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन अ क्वेश्चन दैट इन दैट यू कैन राइट ईजिली इन द लेमेंस परस्पेक्टिव। कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट द नर्व ऑफ गवर्नमेंट। ओके, जैसे बॉडी में अपने में नर्व्स होती हैं ना वो मैसेज ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, न्यूरॉन्स वगैरह, सिमिलरली कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट्स द नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट, कम्युनिकेशन नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट होता है। हाउ कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी मेड मोर इफेक्टिव, रिस्पॉन्सिव एंड मोटिवेशनल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल एंड जनरल क्वेश्चन, सो यू can relate this question, you can write the answer from, you can understand these this question from the perspective of Honorable PM Sri Narendra Modi ji. Okay, so how you can communication, how can you improve the communication system with respect to effectiveness, responsiveness and motivational, how can you motivate the people, how can you make the people responsive and how can you use the communication effectively. Okay, so we can use the language, these are very simple things, so we can use the language. For example, if you have analyzed the speech of our PM, you will find that his speech is variable with the place itself. Okay, in Gujarat he would use Gujarati, in the northern states, in the other states, in UP MP or something like that, he would use Hindi, and in other places he would also use English. Okay, so you will find that he would use the different type of language. Okay, so by the proper use of language, this
communication system in the government be made more effective. For example, और एक थोड़ा सा example ले लो. For example, there is the case. Suppose किसी बंदे ने कोई case कर दिया, ठीक है, और case कर दिया local अदालत में. अब क्या हो गया कि अदालत ने फैसला सुना दिया, okay? The court gave a particular judgment to that particular person. Now what happened? क्या आप expect कर सकते हैं कि वो person जो से मतलब जो भी उसे जजमेंट दी है वो जजमेंट को पढ़ लेगा? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कैन, सपोज मैं ही हूँ, फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक माय एग्जांपल, सपोज आई गॉट सम जजमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, ओके, नाउ कैन आई रीड ऑल द जजमेंट, कैन आई रीड द होल जजमेंट एंड आई कैन मेक द नोट्स और समरी ऑफ दैट जजमेंट? नो, आई कैन नॉट डू दिस थिंग, बिकॉज वो लैंग्वेज ही अलग होती है. सीधी सी बात है, वो लैंग्वेज ही अलग होती है. तो कैसे कम्युनिकेशन अच्छा होगा गवर्नमेंट का? ओके, इन गवर्नमेंट, अब आप जुडिशियरी को भी गवर्नमेंट लेके ऐसा कर सकते हो, क्योंकि जुडिशियरी भी एक स्टेट है. तो आप इस तरीके से गवर्नमेंट में भी रिलेट कर सकते हो. ये जितना भी जो पेपर वर्क होता है, इसकी लैंग्वेज भी ऐसी होती है, जैसे सजा किसी ने सुना दी. फॉर एग्जांपल, इन अदर टर्म्स लाइक, जैसे ज़मीन के कागज होते हैं, ये सब होता है. अब इसमें किसी को भाषा ही नहीं समझ में आती है ना, तो जैसे डॉक्टरों की भाषा होती है वैसे होती है. तो दीज थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड, दिस वुड इंक्रीज द इफेक्टिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस एंड मोटिवेशन. On the other hand, you can also relate this thing from other perspective, like apart from language, there is the, you can say, the look play a very important role. Again, you can take the example of Honorable PM in Gujarat. He would you can say, wear the cloths in Gujarati style. In other places, in northeastern states, he would use different things. In Punjab, he would use that pagdi. ठीक है, पगड़ी की हिंदी यार नहीं पता मेरे को, तो कोई कमेंट सेक्शन में बता दें तो बता देना, नहीं तो कोई नहीं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज अनदर पर्सपेक्टिव. लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम द लैंग्वेज, यू कैन रिलेट दिस थिंग विद द ड्रेसिंग सेंस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यू कैन ऑल्सो रिलेट दिस थिंग विद द अदर पर्सपेक्टिव ऑफ, यू कैन से, मन की बात. ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी यूज एज द इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन टू मोटिवेट द पीपल. लोग कहेंगे वाह, हमारे लिए इतना बढ़िया इंतजाम किया गया, मोटिवेशनल हो जाएंगे ना, मोटिवेशन होगा कि नहीं होगा. सो दीज आर वेरी, यू कैन से, जनरल थिंग्स. अब बात वही आ जाती है, तो अगर ये लिख दोगे तो एग्जामिनर नंबर देगा? एग्जामिनर नंबर, मैं तो यही कहता हूं कि पवेट स्वैग लाना है, तो पवेट स्वैग लाने के लिए ये चीजें जोड़ दो. मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, ओके, सो दिस इज द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस बाई शैनन एंड वीवर. दे डेवलप्ड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. बचपन से लेके बड़े होने तक ये मॉडल आपने लिखा हो, पढ़ा होगा. ये सब सोर्स होता है, मैसेज होता है, ये फिजिक्स में भी आता है और अलग अलग, मतलब बेसिक ये कंप्यूटर वगैरह में सिखाया जाता है, कम्युनिकेशन वगैरह में, इंग्लिश वगैरह में ये आपको मिल जाता है. ठीक है, सो दिस इज द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. एंड इफ वी वांट टू इम्प्रूव दिस थिंग, इफ वी वांट टू इम्प्रूव द थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इफेक्टिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस एंड मोटिवेशनल, वी कैन सिंपली मॉडिफाई दीज थिंग्स. वी कैन सिंपली रिड्यूस द नॉइस लेवल, वी कैन यूज द प्रॉपर इनकोडिंग, वी कैन यूज द प्रॉपर डिकोडिंग, वी कैन यूज द प्रॉपर चैनल, वी कैन यूज़ द मैसेज इन अ मोर इफेक्टिव वे, वी कैन यूज़ द अट्रैक्टिव मैसेज वैन इट कम्स टू द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, मैसेज सबके लोगों के फ़ोन में भेज दो, लोग अपने आप खुश हो जाएंगे, अरे मोदी जी ने बधाई भेजी है दिवाली की और ईद की, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो कम्युनिकेशन ऐसे भी अच्छा हो सकता है. आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग. और थोड़ा सा इसमें जो चीज़ें मैंने नहीं इनकॉर्पोरेट करी हैं, कम्युनिकेशन की कुछ डेफिनेशन मीनिंग इसमें इनकॉर्पोरेट करके, किसी ने नर्व्स गवर्नमेंट की इन्होंने तो कहा ही था, इसके अलावा और कुछ करके इनकॉर्पोरेट कर दोगे तो काम हो जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हैव अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप. डायरेक्ट क्वेश्चन, यू हैव टू राइट द थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. ओके, और ऐसे वाले लिखना जो रेसिप्रोकल हों, यानी अगर एक दिन हो तो दूसरा रात हो. इफ फर्स्ट इज डे देन अनदर शुड बी नाइट, अदरवाइज रेसिप्रोकल दिस टर्म एंड कंडीशन वुड बी, यू कैन से, वुड बी, दिस वुड बी
vanished from the answer. Okay, so write the points like politics is, political system is, you can say, is come into limelight, is more public, whereas administrative system is, you can say, anonymous in nature. Political system is ideologically, it may be neutral, it may be right wing political system, it may be left wing political system, whereas administrative system is neutral. And you can simply write the important things. So this is very direct question. And apart from that, an effective management information system is the key to successful headquarter field relationship comment. Okay, so ye question kahan se aa gaya, ye to maine abhi tak padhaya hi nahi hai crash course mein. So I am covering these things, and this is the you can say the 11th in 11th heading you will find the techniques of administrative improvement. Here you can see MIS, PERT and CPM. These are the phenomena of industrial engineering also. So we will cover all these things in the subsequent lesson of that crash course itself. So ye koi direct question ye bhi hai, isme bhi koi problem wali baat hai nahi. And apart from that, the last question of the day, question number 4, here also we have some part A, B and C. So first of all, form of an organization influence the success of public enterprise. Okay, jo form hoti hai, the form of the organization influence the success. Agar form achhi hai to success bhi achhi hogi public enterprise ki, but the choice of form has always remained problematic. ठीक है, तो ये वही बात हो गई कि अगर हम पढ़ लेंगे तो हम IAS बन जाएंगे, लेकिन पढ़ना ही तो दिक्कत वाली बात है, वही तो नहीं हो रहा, वही तो problematic है. Similarly, form जो है वो तो success में का काम करेगी, लेकिन वो form का choose करना, उसको form को choice लेना, उसको मतलब choice of form ही problem है. अगर हम कहते हैं कि हम पढ़ें, बहुत से लोग होते हैं, you come across many people who said this thing that if I study, I can become whatever I want, but I am unable to study for more than 15 minutes. Okay, तो ये तो वही बात हो गई कि अगर मैं पढ़ता तो मैं IAS होता, लेकिन अगर मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ तो मैं IAS कैसे होता. ये तो मतलब वही अगर मगर वाली बातें हैं. तो सिंपल वही है, फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस करती है सक्सेस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, लेकिन जो चॉइस है फॉर्म की वो ही प्रॉब्लमेटिक है. तो इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपेरेटिव मेथड एंड लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंट मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंट. अगर डिपार्टमेंट की हम मेरिट्स को देखें कि हाँ वो ये चीज़ें कर सकते हैं, कैसे वो फॉर्म को चूज कर सकते हैं, ठीक है, हमें एक सॉल्यूशन देना है, एक मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन और कंपनीज और वर्ड्स, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसेज द सक्सेस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, ठीक है. तो सिंपल सी बात है, फॉर्म जो होता है वो सक्सेस डिसाइड करता है. तो थोड़े से फॉर्म्स के बारे में लिख देना कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थियरी, थोड़ा इसके बारे में समझेंगे कि सिस्टम थियरी और कंटिजेंसी थियरी होती है, ये सब अपने आप देख लोगे, यहाँ पे कुछ है नहीं, ये यूनिवर्सल है, ये नॉन यूनिवर्सल है. यहाँ पर थोड़ी सी बातें होती हैं ज़्यादा थियोरिटिकल, ज़्यादा स्ट्रक्चर और ज़्यादा ही इंटरनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जबकि यहाँ पर बातें कुछ होती हैं स्पेसिफिक बातें होती हैं, और कुछ बातें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की होती हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन को अलग नज़र ये से देखा जाता है. यहाँ क्या है, एक ही नजरिए सबको देख लिया कि हाँ सब अच्छे हैं या सब खराब हैं, या सबको पैसा चाहिए और सबको ये चाहिए वो चाहिए. यहाँ पर क्या स्पेसिफिक देख रहे हैं कि अच्छा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है तो इन्हें थोड़ी सी मतलब जो पेट्रोलिंग के लिए कार चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल है तो इनको एम्बुलेंस चाहिए. सिस्टम थ्योरी में क्या है कि सीधा सीधा सबको एम्बुलेंस दे दो, सबको कार दे दो, सबको कुछ दे दो, ठीक है, हॉस्पिटल में भी वो दे दो, क्या बोलते हैं उसे, AK-47, ठीक है, ऐसा कर देंगे अगर सिस्टम थ्योरी को हम अच्छे से, अगर क्योंकि ये यूनिवर्सल है, अगर यहाँ पे एक यूनिवर्सल थ्योरी आ गई तो बस सबको बांट दो, फिर भले ही हॉस्पिटल में ज़रूरत हो या ना हो, या फिर पुलिस स्टेशन में एम्बुलेंस दे दो, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आपको कंटिजेंसी लानी पड़ेगी, ठीक है, तो यही चीज़ है. तो कंटिजेंसी लाने के लिए ये सब करना पड़ता है, और यही सब चीज़ें आप रिलेट करके यहाँ पर लिख सकते हैं. इसके अलावा चेस्टर वर्नार्ड मॉडल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन सेटिस satisfaction equilibrium is still considered as the logical model of organization motivation. Do you agree? तो आज भी ये एक organizational motivation का काम करता है contribution satisfaction equilibrium. क्या आप सहमत हैं? Give your argument. और मुझसे कोई argument नहीं करेगा कि आपने क्यों ऐसा बोला, ठीक है, तो मेरा point of view है, देखते हैं क्या पढ़ते हैं.
ठीक है, तो यहाँ पर थियरी ऑफ कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये जो थियरी है ये मैंने कवर करी है इस क्रैश कोर्स में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन, ठीक है, ये जो थियरी है थियरी ऑफ कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर क्या है कि ये सब थियरी है, सिंपल सी एक कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम है, और इस थियरी में क्या कहते हैं कि जैसे मैं एक बंदा हूँ, ठीक है, मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जितना मैं कॉन्ट्रीब्यूशन करूँगा उतना ही मैं उसमें से अपोजिट, मतलब जैसे मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं उतना ही सेटिस्फेक्शन मैं चाहूँगा, अगर अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ, अगर मैं जैसे 10 घंटे मेहनत कर रहा हूँ तो उतना पैसा मुझे मिलना चाहिए, उतना मतलब पैसे की बात नहीं है, उतना हमें कुछ मिलना चाहिए, ठीक है, पैसा मिल जाए, इज्जत मिल जाए, रिस्पेक्ट मिल जाए, या उसके बाद कुछ ऐसा मतलब कुछ भी मिल जाए, तो इस तरीके की चीज़ें अगर मिल रही हैं तो एक सेटिस्फेक्शन होता है, एक संतुष्टि होती है, तो जितना भी कुछ कोई कुछ दे रहा है उतना अगर उसे सेटिस्फेक्शन संतुष्टि मिल रही है तो फिर वो कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो थियरी ऑफ कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम में बस इतना ही है कि जैसे मैं यूट्यूब पे यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो अब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो ही मैं मोटिवेट रहूँगा। अब यहाँ पर 4 लोग कमेंट कर दें कि क्यों भाई क्या पढ़ा रहा है, समथिंग लाइक दैट, इफ़ आई गॉट सम निगेटिव कमेंट्स, एब्यूजिव कमेंट्स फ्रॉम सम पर्सन, देन वॉट हैपन दैट आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग बट आई एम नॉट गेटिंग द सेटिस्फेक्शन, देन द मोटिवेशन वुड बी लूज, ओके। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, सो द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, यू कैन से दिस इज मोर, यू कैन से द क्वेश्चन इज मोर ऑफ द पर्सनल परस्पेक्टिव, यू हैव टू आइदर यू हैव टू फोकस, यू हैव टू कंसिडर दिस थिंग एज द लॉजिकल मॉडल ऑफ मोटिवेशन, और यू कैन ईजिली स्किप दिस थिंग, यू कैन से दैट नो दिस इज नॉट द लॉजिकल मॉडल ऑफ मोटिवेशन, ओके। So you can, what you can do, just focus on these points and you can make your own views with respect to this thing, okay? और मेरा व्यूज चाहिए है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करना, तो फिर मैं तभी बता दूंगा, क्योंकि बहुत देर हो गई, 1 घंटे से बोल रहा हूँ, मेरा गला भी बंद हो गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 4C, ठीक है, 4C क्या है कि द पॉलिटिकल अप्रोच टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेसेस ऑन द वैल्यूज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिवनेस, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी थ्रू इलेक्टेड ऑफिशियल्स टू द सिटीजनरी, डेविड एड ऑचरून कमेंट, डेविड एच रॉजनब्लूम है, कमेंट करना है। तो द पॉलिटिकल अप्रोच जो होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो इन चीज़ों पर स्ट्रेस करता है, ठीक है, तो इनको एक एक करके इनको एक्सप्लेन कर देना। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल का पार्ट है, कि जैसा आप यहाँ देख सकते हो सिलेबस में ही दिया गया है, कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी, ये रहा कहाँ गया, ये रहा अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, ठीक है, तो ये इसी का पार्ट है कि कैसे ये चीज़ें लिंक्ड हैं आपस में, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये इस पर्टिकुलर लेक्चर में ले लिए हैं मैंने, अब बाकी के जो 4 क्वेश्चन हैं वो अगले लेक्चर में ले लिए जाएंगे, तो जितने घंटे का पेपर होता है उतना ही टाइम हुआ जा रहा है, तो इसलिए एक और पार्ट आएगा। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन कमेंट बिलो द वीडियो, यू कैन subscribe to the channel, you can click on the bell icon, so I'm not using these words at the start of the lesson so that you can understand the things in a better way, okay? तो कोई promotion वाला काम चल नहीं रहा है कि मेरा ये करो वो करो, if you are liking it you can do this from your wishes and this is something, this is all about today's lecture and this is analysis of paper 1 of public administration optional UPSC CSE 2018 presented by Rahul and section A have been covered. In the subsequent lesson I would come up with the part 2 of this analysis in which we will cover the paper 1 section B, okay? This is all about today. You can follow me on the UNACADEMY and you can also follow me on my YouTube channel GS with Rahul. Kindly subscribe me there and kindly follow me on UNACADEMY itself, okay? So the links are in the description box. This is all about today. I hope you are getting this thing. Thank you, take care and bye-bye.